नमस्कार, जोहार, आदाब। दिल्ली न्यूज संथाल परगना में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप संथाल परगना के सभी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू होंगे। तिल की सौंधी खुशबू से महक उठा दुमका के बाजार। गया के तिलकुट का स्वाद भले ही सबकी जेहन में बसा हो, लेकिन दुमका में बनने वाला तिलकुट की भी डिमांड दिनों दिन बढ़ रही है। मकर संक्रांति के नजदीक आते ही दुमका में तिलकुट का बाजार सजने लगा है। तीन बाजार चौराहे से लेकर नीचे बाजार तक तिल की सौंधी खुशबू मकर संक्रांति के करीब होने का एहसास करा रहा है। प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति होता है, मनाने की परंपरा भी है, लेकिन इस तिथि में जब भी आंशिक फेरबदल होने लगी। हालांकि इस वर्ष 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति है, इसलिए तिल, तिलकुट, चूड़ा और गुड़ की बाजार सज गई है। भागलपुर बांका दुमका रेल सेक्शन पर ट्रेन की स्पीड बढ़ाने की कवायद शुरू। 50 नहीं 70 की रफ्तार से चलेगी ट्रेनें। भागलपुर बांका दुमका रेल सेक्शन अब 50 की स्पीड नहीं 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। इसके लिए दो बार ट्रैक का निरीक्षण किया जा चुका है। पटरियों की जांच में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं मिली है। मुख्यालय का निर्देश मिलते ही ट्रेन की रफ्तार बढ़ा दी जाएगी। दरअसल इस खंड पर पुराने रेल पटरियों को करीब करीब बदल दिया गया है। सिर्फ हंसडिया मंदार हिल के बीच 3-4 किलोमीटर ट्रैक बदलने का काम बचा हुआ है। वर्तमान में इस सेक्शन पर ट्रेनों की अधिकतम स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। मुख्य अतिथि राज्य निशक्तता आयुक्त सतीश चंद्रा ने कहा कि दिव्यांगता अभिशाप नहीं, समझने की जरूरत। दुमका इंडोर स्टेडियम दुमका में दिव्यांगों की सशक्तिकरण के लिए शनिवार को जागरूकता शिविर, सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग मापन व आकलन शिविर में आए दिव्यांगों को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि राज्य निशक्तता आयुक्त सतीश चंद्रा ने कहा कि दिव्यांगता अभिशाप नहीं है, इसे समझने की जरूरत है। कहा कि किसी भी समस्या के निराकरण में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहा कि सामूहिक प्रयासों से दिव्यांग जनों को सशक्त करने की जरूरत है। खबर गोड्डा से, बालू घाट की नीलामी न होने से विधि व्यवस्था हो रही है समस्या। गोड्डा जिले के मोतिया ओपी क्षेत्र अंतर्गत देवंदा गांव के निकट लिलझी नदी में बालू उठाव को लेकर हुए विवाद में 16 वर्षीय किशोर राजकुमार यादव हत्याकांड का नामजद आरोपित प्रीतम चौधरी को शुक्रवार की देर रात उसके घर से गिरफ्तार किया गया। वही अन्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस रात भर छापेमारी करती रही। शनिवार को जिला पुलिस कार्यालय में एसपी वाईएस रमेश ने बताया कि देवंदा हत्याकांड में एक नामजद प्रीतम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने पुलिस के समक्ष अपने स्वीकारोक्ति बयान में हत्याकांड में अपनी संलिप्तता कबूल की है। लोगों का कहना है हेमंत सरकार में बालू माफिया को खुली छूट। दिव्यांग माता पिता के बेटे ने विरोध किया तो बेरहमी से मार डाला। झारखंड में जब से हेमंत सरकार के नेतृत्व में सरकार बनी है, बालू माफिया का मनोबल सातवें आसमान पर है। बालू माफिया का विरोध करने का मतलब जान से हाथ धोना। इस तरह की आए दिन संथाल परगना क्षेत्र में घटनाएं घट रही है। गोड्डा के पोड़ियाहाट में तो सनसनीखेज घटना घटी है। पोड़ियाहाट प्रखंड के देवंदा गांव में बालू माफिया ने राजकुमार यादव नामक किशोर की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। पिटाई में गौतम कुमार, मुकेश यादव और मृत्युंजय यादव भी घायल हुए थे। राजकुमार की चाचा नवल किशोर महतो ने मोती ओपी में देवंदा के मुकुंद चौधरी, अशोक चौधरी, नीलेश चौधरी, सुबोध चौधरी, गौतम चौधरी एवं प्रीतम चौधरी के खिलाफ हत्या एवं मारपीट की प्राथमिकी दर्ज कराई है। गोड्डा के कोल्हाजोर में किसान गोष्ठी का आयोजन कर उन्नत खेती तकनीकी बताई गई। गोड्डा के सौजन्य से प्रखंड गोड्डा के कोल्हाजोर ग्राम में प्रक्षेत्र दिवस सह किसान गोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आत्मा के रूप में परियोजना निदेशक राकेश कुमार सिंह ने प्रगतिशील किसानों को ट्राइकोड्रामा साप तथा वेवेस्टिन से बीज उपचार करने की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फसलों एवं सब्जियों के बीज को ट्राइकोडमा साप एवं वेवेस्टिन से उपचारित करने से बीज जनित फुफकुट जनित रोगों से बचाव किया जा सकता है, जिससे कि फसल सब्जियों के पौधों का बचाव होगा और उपज भी अधिक होगी। पर देवघर से, किसानों बनेंगे सशक्त तो दुगुनी होगी आय। खबर देवघर के जसीडी से, संयुक्त कृषि भवन के सभागार में जिला स्तरीय रबी कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि कृषक मित्रों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना। वर्ष 2022 तक सभी किसानों की आय को दुगुनी करने का लक्ष्य है। हर गाँव का एक कृषि कार्य योजना बनेगी। एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने कहा
कि साइबर ठगी अपराध ही नहीं अविश्वास भी है। देवघर के मुरली पहाड़ी पंचायत के पारो जोरी मोड़ पर शनिवार को पुलिस और जनता के बीच सीधा संवाद हुआ। एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने कहा कि जामताड़ा से दोगुना साइबर क्राइम का केस देवघर में दर्ज हुआ है। साइबर क्राइम एक अपराध ही नहीं बल्कि समाज में एक अविश्वास भी है। महिलाएं साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए संकल्प ले, उन्होंने समाज के लोगों से साइबर अपराध से दूर रहने की अपील की है। कहा कि साइबर अपराध के विरुद्ध आवाज बने तभी इस पर अंकुश लगेगा, अपराध का साक्ष्य मिलने के बाद ही जेल भेजा जाता है। प्रसाद योजना के कार्यों की रफ्तार धीमी, उपायुक्त हुए नाराज। उपायुक्त मंजूनाथ भतंजलि ने शनिवार शाम प्रसाद योजना के तहत कांवरिया पथ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बन रहे अत्याधुनिक भवन, दुम्मा प्रवेश द्वार, जलसार बांध के समीप चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रसाद योजना के तहत चल रहे कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी प्रकट की, साथ ही कार्य की गुणवत्ता बनाए रखते हुए कार्यपालक अभियंता और एजेंसी की जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। पाकुड़ से समन्वय बनाकर करे बेहतर प्रदर्शन। विकास भवन के सभागार में शनिवार को हुई बैठक में उप विकास आयुक्त अनमोल कुमार सिंह ने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी से समन्वय बनाकर काम करें, तभी बेहतर कर सकते हैं। डीडीसी मनरेगा व प्रधानमंत्री आवास योजना, योजना ग्रामीण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवास योजना आदि की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। पुलिस हस्तक्षेप के बाद दफनाया गया शव को। पाकुड़ के हिरणपुर के तेंदुआ गांव में शनिवार को जमीन विवाद को लेकर 55 वर्षीय मरांगमई मरांडी का शव दफनाने से रोक दिया गया था। मरांगमई की शुक्रवार को बीमारी से मृत्यु के बाद विवाद शुरू हुआ। सूचना पर पुलिस पहुंची और विवाद को दूर कर शव को दफनाया। थाना प्रभारी अमित तिवारी ने बताया कि शुक्रवार को बीमारी से मारांगमई की मौत हो गई थी। 4 वर्ष पूर्व उसके पति मांझी मुर्मू की भी मौत हो चुकी थी। मारांगमई की मौत के बाद उनकी बेटी मंजली मुर्मू, सैफुल मुर्मू और संजली मुर्मू शव को दफनाने के लिए पिता के कब्र के निकट ले गई थी, जिसे लोगों ने मना कर दिया था। युवाओं के हित में नहीं हो रहा है काम। आदिवासी कल्याण छात्रावास परिसर में शनिवार को शिक्षित बेरोजगार युवा मंच महेशपुर इकाई की बैठक हुई। इसमें जिला अध्यक्ष अमरदीप गोस्वामी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई। प्रखंड अध्यक्ष संजय कुमार ठाकुर ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में सरकार विफल है। जिला बेरोजगार युवा मंच के पूर्व जिला अध्यक्ष अमरदीप गोस्वामी पिछले 4 वर्षों से युवाओं के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। अमरदीप युवाओं को बेरोजगार देने को लेकर युवाओं से पैसा लिया था, परंतु अभी तक कोई कार्य नहीं किए हैं। जाम के समस्या से करा रहे हैं मिहिजाम वासी लोग। शहर में रोज लग रहे जाम से लोग इन दिनों करा रहे हैं। शनिवार को भी मिहिजाम में कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। हर दिन की तरह लोग अपने अपने काम के लिए निकले थे, लेकिन शहर से होकर गुजरने वाले NH 419 पर आकर वाहन थम गया। मुख्य कारण यातायात पुलिस प्रतिनियुक्ति नहीं होना और सड़क के चौड़ाई कम होना बताया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जामताड़ा पुलिस ने दुर्गापुर में की छापेमारी, डकैती कांड में संलिप्त 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। जामताड़ा पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब प्रशिक्षु SP के नेतृत्व में गठित SIT की टीम ने बंगाल के दुर्गापुर में छापेमारी कर डकैती कांड में संलिप्त 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। SP दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने नारायणपुर, पबिया तथा कुंडहित विद्युत सब स्टेशन में हुई डकैती की घटना को अंजाम दिया था। झारखंड में अफीम की खेती का दायरा बढ़ रहा है साल दर साल। झारखंड की पहचान जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा से है। झारखंड अपने काले हीरे को लेकर मशहूर है, लेकिन अब इसकी सफेद फूल ले रहे हैं ग्रामीण, इसे हीरा समझ रहे हैं। नशे के कारोबार सुदूर इलाकों में ग्रामीणों को इस खेती के जरिए ज्यादा मुनाफा का लालच देकर काली कमाई की ओर धकेलते हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में अफीम की खेती धड़ल्ले से हो रही है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।